तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं मैच नंबर 14 जो कि खेला जाएगा मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के बीच में, जहां पर लास्ट गेम में स्टार्स को थंडर ने हरा दिया था और टीम को तीसरी बार लगातार हार मिली। इस सेशन में टीम अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई और अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, जबकि दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर की टीम ने लास्ट मैच में रोमांचक गेम में एडिलेड स्ट्राइकर को एक रन से हरा दिया और टीम अब तक खेले गए सभी तीन मैच जीत कर आ रही है। वहीं पॉइंट टेबल नंबर दो पे स्टेबल है। यह मैच 26 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 45% रहेगा, टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पर बैटिंग यहां फर्स्ट 53% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग में फर्स्ट यहां 47% जीतने का चांस है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पे 155 है। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में 133 रन लग सकते हैं। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहां पे सिडनी सिक्सर 5 मैच जीत के आ रही है तो मेलबर्न स्टार 0 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम मेलबर्न स्टार का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट किया और अब तक खेले गए तीनों मैच हार मिली। लास्ट गेम में टीम को सिडनी थंडर ने हराया था, पहली बैटिंग करते हुए 172 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम के कैप्टन जहां पे ग्लेन मैक्सवेल ने इंजरी के बाद कमबैक किया लेकिन टीम को नहीं जिता पाए। वहीं बैटिंग टॉप परफॉर्मर ब्यू वेबस्टर जिन्होंने 59 रन की इनिंग खेली। बॉलिंग में टीम फ्लॉप थी, बॉलिंग में ब्यू वेबस्टर ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए थे लेकिन टीम को जिता नहीं सके। वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर सैम हार्पर है, थॉमस रॉगर्स है, ब्यू वेबस्टर है, मार्कस स्टोनिस है, हिल्टन कार्टराइट है, ग्लेन मैक्सवेल, जोनाथन मार्लो, लाइम डेविसन, उसामा मीर, मार्क स्केटी और हरीश रॉफ। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करते हैं, जहां पे पहली प्लेयर की बात करते हैं यहां पे हिल्टन कार्टराइट जो कि एक बैट्समैन है, मैच 3 खेल के आ रही है, रन 79 है, एवरेज 26.3 की है। दूसरी प्लेयर की बात करें ब्यू वेबस्टर जो कि ऑलराउंडर है, 2 मैच में 63 रन है, एवरेज 31.5 है। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि एक बॉलर है, जोएल पेरिस, 2 मैच खेल के आ रही है, विकेट 2 है, इकोनॉमिक 60.6 की है। अब बात करते हैं दूसरी टीम सिडनी सिक्सर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सिक्सर जहां पर टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया, अब तक खेले गए तीनों मैच जीत के आ रही है। लास्ट गेम में टीम ने एडिलेड स्ट्राइकर को हराया, टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। लास्ट गेम में बैटिंग टॉप परफॉर्मर जॉर्डन सिल्क हैं जिन्होंने 66 रन बनाए थे। बॉलिंग में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया जहां पर कैप्टन हेनरिक्स ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए थे। इस मैच में टीम का स्टार प्लेयर है स्टीव स्मिथ जो अवेलेबल नहीं है। अब बात कर देंगे कुछ प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जॉस फिलिप है, जेम्स मिन्स है, डैनियल हक्स है, मॉइस हेनरिक्स है, जॉर्डन सिल्क, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स, बेन डॉर्सी, जैक्सन बर्ड, टॉड मर्फी और स्टीव वो कैब। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पर जॉर्डन सिल्क जो कि एक बैट्समैन है, 3 इनिंग खेली है, रन 115 है, एवरेज भी 115 है। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें मॉइस हेनरिक्स जो कि ऑलराउंडर है, 3 इनिंग खेली है, रन 83 है, विकेट 2 लिए हैं। वहीं तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि एक बॉलर है, बेन डॉर्सी, जो 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं, इकोनॉमिक 7.8 की है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिए, तो दोनों इस समय बहुत मजबूत नजर आ रही है। रिसेंटली परफॉर्मेंस में ध्यान रखते हुए दोनों टीम की ताकत को देखते हुए इस मैच का विनर सिडनी सिक्सर होगा, यहाँ पे स्टार को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।